नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। NIOS दिल्ली की तरफ से बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ गई है 2021 के लिए। काफ़ी सारी अलग अलग वैकेंसियां हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 12th पास के लिए वैकेंसियाँ हैं, ग्रेजुएट्स और मास्टर्स वालों के लिए भी यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और लेटेस्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in। होम पेज पे ही वैकेंसी लिखा हुआ दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दी गई हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शन हिंदी में दी गई हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जाम एंड सिलेबस यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन कैसे करना है आप यहाँ क्लिक करके जान सकते हैं। बाकी यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका शुरू हो गया है। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये नोटिफिकेशन अपने सामने डाउनलोड हो जाएगा, इंडिकेटिव वैकेंसी नोटिफिकेशन। वैकेंसी की डिटेल हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद बाकी की जानकारी। डायरेक्टर इवेल्युएशन, ये डायरेक्टर रिक्रूटमेंट है, एक पोस्ट है। ज्वाइंट डायरेक्टर मीडिया एक पोस्ट, डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स एक पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन दो पोस्ट, अकाउंट्स ऑफिसर एक पोस्ट, अकेडमिक ऑफिसर की 17 वैकेंसियाँ हैं। पे लेवल 10 7th CPC 56,100 से 1,73,500 ये पे स्केल है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, अनरिजर्व्ड के साथ है। EWS 2, OBC 5, SC 2 और ST की एक वैकेंसी है। रिसर्च एंड इवेल्युएशन ऑफिसर की एक वैकेंसी है। तो ये ग्रुप ए की थी, इसके बाद ग्रुप बी की वैकेंसियां हैं। इसमें सबसे पहले शामिल है सेक्शन ऑफिसर 7 वैकेंसियाँ, पे लेवल 7, 7 CPC 44,900 से 1,42,400। 4 अनरिजर्व्ड हैं, 1 EWS और 2 OBC के लिए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एक वैकेंसी है, हिंदी ऑफिसर एक वैकेंसी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एक वैकेंसी, पर यह डेपुटेशन पे है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। EDP सुपरवाइजर 37 वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अनरिजर्व्ड की 18 है, EWS की 5 है, OBC की 11 है, SC की 2 और ST की एक वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए। इसके बाद ग्रुप सी की वैकेंसियाँ हैं, असिस्टेंट 4 वैकेंसी, 1 EWS 2 OBC 1 ST, स्टेनोग्राफर 3 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट 36 वैकेंसी। जो स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसियां हैं ये 12th पास के लिए हैं, बाकी अलग अलग क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स और मास्टर्स वालों के लिए हैं। ऊपर वाली जूनियर असिस्टेंट की 36 जो वैकेंसियां हैं उसमें अनरिजर्व्ड की 18, EWS के 4, OBC के 8, SC की 5 और ST की एक वैकेंसी शामिल है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2021 रात्रि 11:59 है। ऑनलाइन ही आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इंग्लिश में और इसी के नीचे हिंदी में दिया गया है, जिस भी भाषा में आपको ठीक लगे आप देख सकते हैं, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस दी गई है, यहाँ ग्रुप ए अनरिजर्व OBC की 750 रुपये, ग्रुप बी और सी अनरिजर्व OBC के लिए 500 रुपये, ग्रुप ए और बी SC ST EWS के लिए 250, ग्रुप सी SC ST EWS के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। कुछ अन्य जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आवेदन करने से पहले सारी जानकारी नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती है एक सिंगल वीडियो के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। ये रिक्रूटमेंट रूल दिए गए हैं, तो रिक्रूटमेंट रूल में ही क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दी गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट दी गई है, पे स्केल दिया गया है, ये असेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है पद के अकॉर्डिंग। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से यहाँ पे दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन या इनके PDF अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए nios.ac.in। तो ठीक है दोस्तों, मेन जानकारी आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।